अब जब उसमें तू ही लाएगा ना, और जब गुस्सा आएगा तो मैं किससे, जब प्यार तुझे करूंगा तो लड़ डांटने के पड़ोसी को जाऊंगा ना, ये किसी से ना ये कुछ कहेगा ना हम कुछ कहेंगे ना ये कुछ करेगा। चल यार, माँ बापा को थोड़ी देर गुस्सा होता है वो, वैसे को थोड़ा फिलो में अनी ने बालों को पूरों को गंजा करवा दूंगी। बुरी थोड़ी कर रहा हूँ, अब तू आ रहा है चाय पी रहा है साथ में बैठ के, ये खुशी के बाद भाई खराब खराब चीज तो दुनिया, सुन खराब चीज तो दुनिया ने देखी, अच्छी चीज तो देखी। मैं एक चीज बता रहा था, सुनो, ये चार घंटे से मेरे को सुनाई जा रही है, सोयाबीन से ही कह रहा है, चाय पीटी का एनर्जी ले लेके फिर थक जा, फिर चाय मंगा ले, फिर एनर्जी ले ले, फिर एनर्जी ले लेके तो उससे लड़ रही है। सुनो, एक एक अफ्रीका में चोर पकड़ा गया, अभी पब्लिक ने पीट पीट का झगड़ा कर दिया उसे, फिर उसके लिए रेड बुल लाए चोर के लिए, ठीक है रेड बुल पिलाई, उसे होश में लाए, फिर मारा फिर इतना मारा, फिर वो बेहोश कर दिया, फिर आधा पौना घंटा मार लगा। सुनो मैं बता दे रहा, जब ये बेहोश तेरे लिए हो गए, तेरे लिए ही हो रही है ना बेहोश, अब इस होश में तू ही लाएगा ना भाई। मैंने देखा, मैंने इतने पागल कोई नहीं देखी जितनी ये है, इसके लिए पूरी रात नहीं सोई, और सुबह देखो मैंने कहा क्यों रोती रोल रही है, रोती, अब मैंने कहा मैंने कुछ नहीं रोती रोल रही है, क्या हुआ डैशबोर्ड में ही तो लगा दूं ना। नहीं ये बता दे कौन से वाले में रहेगा, आपके वाले आपको मैं रही मतलब आपके वाले जो जो आपने दिया है। नहीं तुझे अगर ऐसे विश्वास ना हो तू लिख के लाना चाहे तो लिखवा दे, ना लिखवा ना तू, मैं हम लिख के देंगे। यार ये मैं बताओ, जब ये बेटा मेरा है ठीक है, सबसे मैं इसको बहुत प्यार करता हूँ, मैं कहने का मुझे जब ये मुझे नहीं मिलेगा तो गुस्सा तो स्वाभाविक है आएगा ही ना, और गुस्सा आएगा, और जब गुस्सा आएगा तो मैं किससे, जब प्यार तुझे करूंगा तो लड़ डांटने के पड़ोसी को जाऊंगा। अगर तेरे पापा यूं कह रहे तो मेरे घर से निकल जा, तो तू कहेगा ना मेरा भी तो घर है, मेरा भी तो है घर, तुम्हारा कहाँ से हो गया जो मैं घर से निकल जाऊँ, क्यों निकल जाऊँ, ये भी तो बोला। तू ये तो पूछ सके, तू दिखाएगा क्वेश्चन, तू क्रॉस है मुझसे, ये तो पूछ सकता मुझे पैदा किसने करा है, मुझे पैदा क्यों करा, तो मुझे कौन देगा, किसका है, तुम्हारी कोई चीज कहाँ चाहिए, तुम्हारी चीज मुझसे अलग कैसे हो गई। मुझे ये बोल रहे हैं कि इसका प्रॉपर्टी से लालच है, प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहता है, दुनिया का छोटे से लेकर बड़े तक बच्चा सब प्रॉपर्टी माँ बापों की लेते ही है, होती भी उन्हीं की लालच में था, मुझे भी रहा है भाई, मुझे दुनिया का हर बच्चे को प्रॉपर्टी मांगी, कभी मैंने आपसे प्रॉपर्टी मांगी नहीं, मांगी नहीं, मांगी मांगेगा भी ना, अच्छा अच्छा अरे मांगेगा मतलब वो चीज भाई, कुछ चीज ऐसी मुझे बुला कर सोशल मीडिया पर कहोगे तो फिर सोशल मीडिया से डरा है, तो डरा नहीं मम्मी, ये कमेंट तेरे लिए, सुन मेरे लिए ना सोशल मीडिया ना कुछ, मेरे लिए तू इम्पोर्टेंट है, तेरे सोशल मीडिया पे क्यों करते होगा कुछ नहीं है, तो सोशल मीडिया को ये जवाब दे, सुन सोशल मीडिया को ये जवाब दे, ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, मेरा हक है, लूंगा बस, अगर कल को यही करेंगे तू मेरा बेटा रहा तो तू मान लेगा सोशल मीडिया ने कह दी करना है तू इसका बेटा, अगर तू मेरी हर बात को मानता है, मैंने तो एक दिन गुस्से में तुझसे ये तो मेरा सब जगह से नाम हटा दे, आज के बाद तू ये भी नहीं कहेगा तो मैं अर्जुन सिंह रावत का बेटा हूँ, तू मान कर सकता है, तू अपने पैन कार्ड से मेरा नाम हटा, अच्छा चल पैन कार्ड से हटा सकता है क्या, देखा चल, अच्छा अगर मैं नाम हटाऊंगा तो क्या खुद को एक्स वाई जेड क्या बुलाऊंगा फिर, नाम तो हो गई है कि ये तो प्रैक्टिकल चीज, अर्जुन का भी हट जाएगा, पूनम का भी हट जाएगा, फिर अब बताओ क्या करेगा, फिर क्या पॉसिबल है ये, जब एक बार बता, जब सरकार की बनाई हुई पॉलिसी से ही तू नहीं हट सकता तो जो ईश्वर ने बनाई है उससे कैसे हट जाएगा, अरे ईश्वर ने थोड़ी ना कमेंट करे वहाँ जाके, तो मत करो कमेंट्स, कमेंट्स मैंने किए ना, मेरा हक है, मैं बाप हूँ भाई, गुस्से में कही दे तुम्हारी खानदानी आदत है, नहीं अरे बस सुन, आज तो बाबा है, आज रोटी रोटी मैंने भी कई बार हुई है तेरी, ये तो खानदानी आदत है भाई, हमारे जो बाबा है वो भी ऐसे ही, तुम्हारे जो पापा है वो भी ऐसे ही, अब ये ऐसे ही, अगली पीढ़ी तू है, गाँव में ज्यादातर ऐसे ही होते, गाँव में सभी गाँव में ऐसे होते, अच्छी बात है ना, गाड़ियों छोड़ दो, ऐसी तुम गंदी गाड़ी चैनल देख रहे मकान छोड़ देगा, मेरे मकान क्यों छोड़ेगा तू, कि तुमने हाँ ठीक है, मैंने गुस्से में एक बार कह दी, तो एक बार कह दी, दस बार कह दी, चल अब तो मेरा हक है, मैं कुछ भी कह रहा, अब मैं तुझसे कह रहा हूँ मेरा नाम छोड़ दे, तो छोड़ दे, छोड़ नहीं सकता,
मुझसे कह रहे तो भी ठीक है, आप तो दूसरों से कह रहे हो ना कि इससे मेरा घर खाली। एक बात बता, तुझे ये होनी चाहिए कि जब मेरे पापा किसी चीज से नाराज होते तो तुझे भी उसको अवॉइड करना चाहिए ना। मतलब दो छोड़ो, ना ये किसी से ना ये कुछ कहेगा, ना हम कुछ करेंगे, ना ये कुछ देखा इसमें आदत क्या है। जैसे मैं एक चीज कहूँ गुस्से में तो ये चार कहेगा, ये नहीं कहता कि मैं एक बार भी बर्दाश्त कर लूँ, बर्दाश्त नहीं, एक बार बर्दाश्त कर लूँ, हाँ ये बर्दाश्त नहीं करता। समझ गए, कुछ नहीं कहे यार। सुन, मेरे पिताजी मुझे कितना बोलते थे, मैंने सबको बता दी, बता रेखा, शादी होते ही मुझे ना गुस्से में घर से निकाल दिया था हम दोनों को। लेकिन वो यार माँ बाप को थोड़ी देर गुस्सा होता है वो, अब वही बाबू जी लास्ट तक पहले हमारे साथ ही रहे ना सब, तो सब होता बेटा। मेरे दादा भी ऐसे ही थे, दादा भी ऐसे गुस्सा और करे करे। घर के आदमी चिड़चिड़े हैं थोड़े शुरू से ही, जब वो चलती चली आ रही है तो ये छूटे ही ना लकी। तू सोचता हो मैं सुधर, अबे बात सुन, एक बात बता, अगर तेरी मम्मी मान लो ऐसे होती बेटा पूरी रात रोई है, पूरी रात नहीं सोई तेरे लिए, तो सोच ये प्यार है ना। और अच्छा मुझे, मैं कोई बात ऐसा कोई मैं मैसेज भी कमेंट्स भी पढ़ता हूँ तो मुझे रोना आ जाता है। मैं नौटंकी करता हूँ, क्या जरूरत है मुझे किसी के आगे नौटंकी, मैं कोई किसी से नोट मांग रहा हूँ क्या आंसू दिखा के, मुझे क्या, ऑटोमेटिक आते हैं अंदर से, आते हैं भाई अंदर से, ऐसे हुकनी सी आती है रोने की, ऐसे हुकास ऐसे वो आती है, वो इसलिए आती है बेटा क्या इतना प्यार करते हैं, हर माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, जिसमें मेरा तो बहुत ज्यादा प्यार करने का, मुझे कोई बच्चा कोई सा इस जिस मकान में धरा डैन कोट इसी का है, यही रहेगा और हमेशा रहेगा, जिंदगी भर रहेगा, उसमें रहेगा चाहे इसमें रहेगा। मैं तो कह रही चाहे हमें डैन कोट में शिफ्ट कर दो, तू यहाँ जा, ठीक है। और जो तूने अब जो घर नया लिया है, मैं तो कह रही 50 घर खरीदे रोज, तू एक नया घर खरीदे, लेकिन वो स्टूडियो रहेगा, उसमें तो काम करेगा, सिर्फ रहना नहीं जाएगा, रहेगा उसी में, ठीक है। और कोई बात, यही बात है। मैंने चल गुस्से में कह दी तो, मतलब मैंने तुझे बचपन से इतनी सारी चीजें कहता था, जब तो अब कोई तू अलग हो गया है कुछ, जब मैं मुर्गा बना देकर जब मुर्गा तो आज भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। मैंने एक बार मैंने इतनी देर मुर्गा बनाया, ये इसे पता नहीं ये भाग क्या, ये मुझसे लड़ने लगी, ये तो ये बच्चों के लिए हमेशा से बहुत ज्यादा बोल रही है, लड़ रही लाड़ प्यार करने वाली। कैसे ये को थोड़ा फिलो में पाई को एक्सचेंज कर रहे हैं। अच्छा योगा नहीं, डांस ऐसे गुस्सा आ गया भाई, इसे गुस्सा आ गया। हाँ क्यों हंस रहे हो सब मम्मी, शीरो हट जा, कौन सा है ओए तो इसका मतलब नौटंकी कर रही है अभी तो तू चल रही है। अजय भैया कल हमने वीडियो देखी यार, वो वीडियो तुम्हें किसने भेजी? मुझे पायल ने भेजी, जिन पे मतलब जो यार अब लग रहा है कि तुम जिन्हें मारते हो उन्होंने वीडियो भेजी तुम्हें। क्या बोली माँ, बोलो तुम इतना सपोर्ट करो और ये है उन लोग, देख लो तुम्हारे खिलाफ ही क्या बोल रहे हैं शायरी वाले भैया, क्या क्या तुम जानते हो, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा किसी का, सभी जानते हैं। अजय भैया अगर तुमने मारा होता तो वो ये वीडियो सीधा उन्हें भेजते कि हाँ भाई मारा है, तुम्हें क्यों भेजती? अजय अपनी मतलब अजय के हमारे सारे इतना प्यार करता है और कभी इसने टच भी नहीं करा उसे। और बताता हूँ आपको, सुनो, अरे दुनिया तो शादी करके फेरे करके हो जाती है, ये तो वैसे सीधे ले आया था, लाके भी मंदिर पर शादी तो बहुत प्यार करता है। और मैं बताता हूँ, देखिए अजय भैया आते लड़ाई भी नहीं सुनी मैंने कभी, नहीं। दो तीन साल में कभी लड़ाई भी नहीं। लोगों ने मेरा शुरू से ही एक चीज देखी, मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि जो पत्नी होती है किसी की भी या अपने घर में कोई बेटी और होती है वो लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी का समझिए, तो मैं बहुत पहले से कहता हूँ, मैंने आज तक मम्मू को हाथ नहीं लगाया, बिल्कुल है ना। और मेरे यहाँ पे जैसे मेरे चाचा ताऊ के बच्चे गांव में जैसे होता है, वो अपनी पत्नी को डांट देते हैं तो हमें फोन करती है उनकी वाइफ है, जैसे मेरे चाचा ताऊ बेटे, देखो जी हमें डांट गए, आज खाना नहीं खा गए, गुस्सा हो गए, हम तो उसे डांटते हैं। मैंने कि यार जिस चीज में पत्नी को अगर वो भी जरा भी ऐसा महसूस दुख महसूस हो तो पति का जीवन ही धिक्कार है। और कोई अगर ये कहे कि महिलाओं पे हाथ उठाने के बात को हम सपोर्ट भी कर सकते हैं, यार करना तो दूर सपोर्ट भी कर सकते हैं, तो हमारे लिए तो ये मरने जैसी बात होगी। क्योंकि जिस लक्ष्मी, मैं तो यार अब देखो कोई नहीं कह सकता, मैं आप देखते ही होंगे मैं मम्मू को कैसे रखता हूँ, तो मतलब हर किसी को, मैं अभी पिछले कुछ दिनों पहले अपने गांव में एक भागवत कथा चल रही थी तो वहां गया,
तो वहां उन्होंने कुछ मुझे बोलने, मैंने गांव वालों को भी कहा, मैंने कभी भी देखा गांव में क्या होता है कि लोग अपनी पत्नियों से जैसे कोई झगड़ा या कुछ ऐसे मन मुटाव वो करते रहते, मैंने कहा कभी भी ध्यान रखना अपने घर की लक्ष्मी का, जितना भी आप सम्मान करोगे उतनी आपकी बरकत होगी, उतनी आपके, और जानवरों का जितना करोगे उतना ही ईश्वर आप पे खुश रहोगे, जितना जानवरों की मदद करोगे, जितना बेसहारा विकलांगों की बुजुर्गों की मदद करोगे उतना ईश्वर, मैं तो हम बोल के आया था भाई, मैं तो कोई आदमी अगर ये कहे तो बहुत सारी चीज जिसमें पत्नी के या किसी भी महिला के अगर आंसू आए तो मेरे लिए तो मतलब ये समझो मैं रात भर सो नहीं सकता, मेरे लिए इतने कष्टदायक चीजें होती है। वो पीछे तो गुस्सा हो गया ना, मैं खुद जो चीज मैं खुद नहीं करता अपनी पत्नी से वो मैं किसी से कैसे कह सकता हूँ, कोई अपनी पत्नी से या पत्नी से मारा पीटी तो छोड़ो जो गुस्सा भी करे, मैं तो गुस्सा भी करना पसंद नहीं करता। जब हमारे बराबर वाला घर था इसमें एक सर्वेंट रहते थे, हाँ हाँ, तो उसकी बीवी को उसने शराब पी के एक दिन मार लगा दी, तो उसके दोनों बच्चे आए, मैं कहीं साई गाड़ी में से उतरी तो बच्चे रो रहे बाहर खड़े होकर, बीवी को मैंने कहा क्या हो गया, बाबूजी बैठे थे तो बाहर गेट पे, बाबूजी भी चेयर लेके बैठे, ठीक है, तो मैंने कहा क्या हो गया, तो उसने कही क्या मुझे ये मार रहा पी के शराब, तो उसके बच्चे बोले आंटी मेरी मम्मी को बचा लो ये मेरे पापा मार रहे मार रहे, तो मैं उसके घर गई और मैंने उसी आदमी पीछे पीछे मैं भी पहुंच गया, मैंने घर से निकाल दिया, मैंने कि बाहर निकल, अरे मार कैसा रहा, तो हाथ कैसा लगा रहा, मैंने कि हाथ लगा नहीं सकता, एक बार वो ये बोल गया मेरी बीवी है, मैंने सुन जब तक प्यार कर रहा तब तक तेरी बीवी है, अगर तू इस पर हाथ लगा तो तेरी बीवी नहीं, मैंने कि सुन हम सब इसके साथ है, मैंने कभी भी इनके अगर हाथ लगा दिया तो सबने उठा के तुझे पुलिस के हवाले कर देंगे, थाने में तुझे मैं बंद करके आऊंगी अगर तुमने बीवी को टच भी कर दिया, तो हम तो मतलब इस चीज के इतने वो है कि आप लोग समझ ही सकते हैं ऐसी सलाह देंगे किसी को। भाभी ने दी तुम्हें चप्पल मैंने जैसे देखा आप आ रही हो क्या करेंगे, नहीं हो गया खड़ा है टांग पर, मैं कौन आ रहा है, दो लोग आ रहे हैं, फिर मैंने देखा ऐसे तो मम्मी है, मैंने जी खुला होगा मम्मी को इतना गुस्सा आया, देखो मम्मी पता किसकी तरह जब नाच रहा होगा तो खूब नाचे वरना फिर ऐसा हो जाए पता क्या वो हाथ में घूमता है पीछे वो भी दे ओ अरे लगा पीछे भाई आइटम सो लेना था तो मार के चली जाऊं मम्मी ने हाथ बांध दिए हाथ मम्मी हाथ मेरी इसकी टांग तोड़ा टांग मैं हो के बालों से ऐसा हाथ बांध दे अगला आदमी मार के चला गया पैर अगला आदमी मार के चला गया और ठंडे में मम्मी देख अपने भाई और मिल गया फिर एक काम करो बन गया दोनों वही वाला बन गया लाइफ में दोनों को बैलेंस कर दो चल मैंने देखा वो मिला गया घूमने यूं करके और छोड़ दो मैंने सर एक मैं भी भागा मेरे पीछे तो भागा बहुत तेज चालू काम कर सर मम्मी हम होगी क्लेरी हाँ क्या हुआ फिर किसी में काम तो और यहाँ से ये टीवी जाएगा तो मेरे सारे बटन हाँ। और ऐसे एक रियस का है एक सैंडी कैंडी का है तो सबके हमारे इसी बीच में बटन आएंगे और उसके साथ सर्टिफिकेट भी तो होगा पूरी जगह भर जाएगी। चलो बहुत बढ़िया देखो यहाँ टीवी ये टीवी कहाँ जा रहा है फिर रिकी का गोल्डन आएगा टीवी को लकी ले जा रहा है। अच्छा लकी को लकी अपने ड्राइंग रूम में लगाएगा उसको बड़ा टीवी चाहिए तो मैंने कि ये ले जा ठीक है ठीक है तो फिर यहां दे दो लग जाएंगे। चलो ठीक है वरना मैं जब से ये हटवा रही हूं यहां से ना 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 वो पड़ेगा इसे ही हटवा के फिर यही लगवा लो। अच्छा अरे वाह बहुत बढ़िया सुनो आज देखो अब धूप निकली है कितना बढ़िया मौसम है। ओहो हो जय हो सूर्य देवता सूर्य भगवान सूर्य देव को भी उसकी माँ ठंड में निकलन ना देती है। तुमने बचपन में कभी तक पढ़ी है चंदा मामा की चंदा मामा की अटकर बैठा चाँद देखती और अब ये तैयारी हो रही है भंगों के ऑपरेशन की किसी दिन ऑपरेशन होगा धूप में मस्त को सूरज से वो दिखे सूरजमुखी सूरजमुखी खोलिए कितनी किसकी खुला है तो देखते हैं आज आज एक कॉम्पिटिशन अभी क्या सीट पर लग रहा होगा ड्रग सीट का सब उसी में है यहाँ को आ जाए हाँ आँख खोल के देखिए सूरज की तरफ कितनी खोल सके खराब हो जाएगी बिल्कुल अरे
तो आज मैं और सैंडी जा रहे हैं रजौरी गार्डन, ऐसे वाली बोला करेंगे हम, एक मैं बोलूंगी एक बोलेगी, क्योंकि जैसे पहले नहीं वन फिर टू बोलेगी टू थ्री फोर ऐसे जब बोलते आधे आधे स्कूल में बोलते नहीं थे हाँ, हाँ, हाँ। वो वाला आज आधी चीज मैं बोलूंगी आधी ये बोलेगी। चलो चलो अब हम बहुत टाइम बाद जा रहे हैं, आपको पता बैग अच्छा लग रहा है ना, मुझे पता आपको ऐसे कलर अलग अलग से बहुत पसंद है, मैं ले सकती हूँ उसे ले लो जुगाड़ जैसी स्कूटर से भी खट्टा। देखिए ये मर्सिडीज का जुगाड़ लेकर घूम रहा है, क्या बात कर रही है ना, तभी देखिए इसे भेजो तो ये पैसे मांग रहा है हटवानी है सामने से। हाँ ले जुकाम हो रहा तुझे, मम्मी ये रात इतना टेढ़ा हो रहा है रूम आया सर मैं बताता हूँ कौन इतना टेढ़ा में सही कि नाक में और ट्रीटमेंट की दो बोतल डाल ली पर तभी जुकाम नहीं खत्म हो रहा। ये तेरा कहाँ जा रहे हो, कितनी है गिनते ना कहाँ डेली डेली कितने मॉल नहीं जा रहे हैं तेरा तेरा पूरा रहेगा बाबू पे सीरो पे और एक बीमारी पे तीनों पे ध्यान रखिए। मेरा पीएसओ का ले जा रही हो, ये तेरा है हाँ। छोटा किसका पीएसओ है, ये सबका है ऑल इंडिया लाइसेंस पर आज ही पता है बीमा आ रही रात से इसकी तबीयत खराब हो रही जुकाम सा हो रहा पर फैशन में पक्का है ये भी जैकेट मैंने पहना ही है टी शर्ट में घूम रहा बंदा गाड़ी हटा सुने काम कर ले जरा इन पे कंगा मार ला आज अनिल ने बालों को पूरों को गंजा करवा दूंगी क्या मैं कर दूंगी तेली जैसे बाल करके एकदम बाल मुझे एकदम क्लीन चाहिए चल धो। Thank you.